नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। शादी का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले शुरू होता है हनीमून डेस्टिनेशन ढूंढने का झंझट, क्योंकि टिकट बुकिंग से लेकर होटल बुकिंग सब कुछ पहले करवाना पड़ता है। विदेश में हनीमून मनाने का सपना तो हर कपल का होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसी कौन सी जगह जाएं जहाँ पर ट्रेवल भी सस्ता हो और होटल भी सस्ता हो। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका विदेश में हनीमून प्लान का खर्चा कितना होगा, कहाँ जाना है आपके लिए सस्ता भी होगा, तो ये स्टोरी आप सभी के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीस के बारे में। हनीमून डेस्टिनेशन के लिए ग्रीस आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीस में घरों का स्ट्रक्चर आपका मन मोह लेगा। अपनी प्राचीन इमारतों के लिए ग्रीस का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। नीले पानी के सामने सफेद चमकते हुए घरों का नजारा आपको बिल्कुल स्वर्ग जैसा एहसास करवाएगा। 7 दिन की यात्रा के लिए 2 लोगों के घूमने का खर्चा यहाँ 1,38,700 रुपए से लेकर 1,50,500 रुपए तक आता है। विदेश में आपको इसकी रकम में ही कम से कम पैसों में 7 दिन रिपीट विदेश में आपको इतनी रकम में ही कम से कम 7 दिन के लिए रहने का मौका मिल जाएगा। यहाँ जाने के लिए आपको वीजा पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 86,000 रुपए से लेकर 94,000 रुपए तक का पैसा लग सकता है। यहाँ रहने के लिए होटल आपको 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए की रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की खूबसूरत देशों में से एक है। इस देश की खूबसूरती यहाँ रहने वाले लोगों के कल्चर में देखने को मिल जाती है। यहाँ आप सूरज ढलने के बाद खूबसूरत नजारा, हॉट एयर बलून राइड और गुफानुमा होटल जैसी चीजें एक बार देख लेंगे तो बार बार यहाँ आने का प्लान बनाएंगे। यहाँ 7 दिन की यात्रा का प्लान बनाने पर 2 व्यक्तियों के लिए 78,100 रुपए से लेकर 90,200 रुपए तक का खर्च मिलता है। आपको फ्लाइट इस्तांबुल तक के लिए मिलेगी जो 54,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए तक मिल जाती है। यहाँ पर्यटक वीजा 90 दिनों के लिए वैध रहता है। वीजा बनवाने के लिए आपको लगभग 4,280 रुपए तक का खर्च करना पड़ेगा। यहाँ रहने के लिए होटल आपको 2,300 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक का या उससे ज्यादा के भी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मालदीव के बारे में। अगर हनीमून डेस्टिनेशन का प्लान बना रहे हैं तो इसमें मालदीव का नाम तो जरूर आएगा, लेकिन कपल्स के लिए सवाल ये है कि आखिर यहाँ जाने में खर्च कितना लगने वाला है। अगर आप 7 दिनों के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 2 लोगों के लिए इस ट्रिप का पूरा खर्चा 80,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक रहने वाला है। यहाँ के होटल भी काफी सस्ते हैं। आपको 4,000 या 5,000 से लेकर के ऊपर तक की रेंज के होटल्स बुक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मालदीव में बीच हाउस पर रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। मालदीव जाने के लिए आपको सबसे ज्यादा खर्चा फ्लाइट के लिए देना पड़ेगा। फ्लाइट टिकट आपको 20,000 से 25,000 रुपए में खरीदनी पड़ सकती है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके या ईमेल करके बता सकते हैं। साथ ही हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार।